Hello, dear students. Hope you all are fine. But आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग रेवर्बरेशन पीरियड. और रेवर्बरेशन पीरियड का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. ये जो टॉपिक है रेवर्बरेशन पीरियड, इसको हम या तो टॉपिक में जब सिलेबस में हम इसको पढ़ते हैं तो बेटा या तो आप इसको रेवर्बरेशन पीरियड के टर्म्स में पढ़ेंगे या फिर इसको रेवर्बरेशन टाइम के पीरियड टर्म्स में पढ़ा जाएगा. अब रेवर्बरेशन पीरियड या रेवर्बरेशन टाइम का इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में कैसे है. जैसे आमतौर पे जब हम बात करते हैं एकॉस्टिक्स ऑफ हॉल की, तो एकॉस्टिक्स ऑफ हॉल के कॉन्सेप्ट को समझते समय आप देखेंगे कि रेवर्बरेशन पीरियड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी बिग एम्प्टी रूम में जब आप एंटर करते हैं और जब आप बात करते हैं या चिल्लाते हैं उस रूम में, तो आपने देखा होगा आपकी साउंड दीवारों के साथ स्ट्राइक करने के कारण या फिर रूफ के साथ स्ट्राइक करने के बाद जब आपके पास आस लौट के आती है तो आपको अपनी आवाज मल्टीपल साउंड सुनाई देती है. तो आमतौर पे हमारे दिमाग में होता है इको प्रोड्यूस हो रही है. इको और रेवर्बरेशन पीरियड या रेवर्बरेशन आपके पास जो टर्म है, नॉट पीरियड बट रेवर्बरेशन की अगर मैं बात करूं क्योंकि ये भी एक फिनोमेना है, इको और रेवर्बरेशन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है. पर लेकिन यह है कि फर्क क्या है. इको का कॉन्सेप्ट हम ओपन स्पेस में भी ले सकते हैं जबकि रेवर्बरेशन का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपके पास किसी क्लोज रूम या पार्शली एनक्लोज रूम के लिए हम कंसिडरेशन में लेते हैं. तो फिर बात आती है कि रेवर्बरेशन पीरियड है क्या, हम उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे. आप देखिए बेटा स्क्रीन पे आपके पास दो डायग्राम्स मेंशन्ड हैं. ये दोनों डायग्राम्स जो हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से हमने लिए हैं. अगर मैं इनके रिसोर्सेज की बात करूं तो पहला डायग्राम जो है जो फिगर वन हम यहां पर दिखा रहे हैं दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वेबसाइट एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट हैज बीन एक्चुअली डिस्कस जस्ट बिलो इट. एंड द अदर डायग्राम व्हिच आई एम एक्चुअली टेकिंग ओवर हियर दैट इज द ग्राफ बिटवीन द एनर्जी डेंसिटी एंड द टाइम फॉर द रेवर्बरेशन पीरियड. तो ये ग्राफ बेटा हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय बी के पांडे एंड एस चतुर्वेदी बाय सनगेज पब्लिकेशन. सनगेज पब्लिकेशन का एक बुकलेट है इंजीनियरिंग फिजिक्स के ऊपर जो कि लिखा है बी के पांडे और एस चतुर्वेदी ने. इस डायग्राम को मैंने उस बुकलेट से लिया है क्योंकि मैं इसी डायग्राम के बेसिस पे आपके पास आज के टॉपिक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. अब बात आती है रेवर्बरेशन पीरियड है क्या और एकॉस्टिक्स ऑफ हॉल में ये कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट आपने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ ऐसे रूम्स या फिर आपने विजिट किया होगा जैसे सिनेमा हॉल्स में या फिर आप विजिट किया होगा कुछ ऐसे बिग हॉल्स में जहां पर आपके पास साउंड जब आपके पास आती है तो आपको लगता है हाँ नो डाउट साउंड बहुत ही सूदिंग, बिल्कुल क्लियर आवाज जो है आप तक पहुंच रही है. हालांकि कुछ रूम्स ऐसे भी होते हैं कि जब वहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो एकॉस्टिक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लें तो एकॉस्टिक के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो बेटा आपके पास हॉल है. 19th सेंचुरी में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट हॉल की. मैं इसका मेंशन यहां पे कर देता हूं डायग्राम के जरिए कि आपके पास 19th सेंचुरी से पहले एकॉस्टिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पर लेकिन 19th सेंचुरी के बाद एकॉस्टिक ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. और क्यों किया, उसका रीजन जो था वो रीजन था आपके पास म्यूजियम था. म्यूजियम था द फॉग, द फॉग आर्ट म्यूजियम. ऑल ऑफ Howard University. तो ध्यान रखिएगा बेटा हावर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता ही है ए वेल नोन यूनिवर्सिटी है. मैं इसी हावर्ड यूनिवर्सिटी का आर्ट म्यूजियम की बात कर रहा हूं और उस आर्ट म्यूजियम का जो नाम था उसका नाम था द फॉग आर्ट म्यूजियम हॉल और ये हावर्ड यूनिवर्सिटी का था. ध्यान रखिएगा बेटा ये जो म्यूजियम हॉल था बनाया तो गया एकॉस्टिकली मींस एकॉस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि उसमें साउंड से रिलेटेड जो म्यूजिक इवेंट्स क्रिएट किए जा सकें या फिर स्पीचेस डिलीवर किए जा सकें. पर लेकिन जो ऑडियंस उसमें बैठती थी उस ऑडियंस का एक ही शिकायत था कि उस म्यूजियम हॉल में जब वो बैठते हैं
तो स्पीकर किस तरह का स्पीच डिलीवर कर रहा है, किस तरह का मैसेज उन तक ट्रांसफर कर रहा है, उनको समझ में नहीं आता था। इसका मीनिंग है कि वो जो हॉल था वो एकॉस्टिकली गुड नहीं था। हम कहेंगे कि दिस हॉल वॉज द एग्जाम्पल, वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट एकॉस्टिकली गुड हॉल। एकॉस्टिकली गुड हॉल हम कह सकते हैं कि एकॉस्टिकली ये गुड हॉल नहीं था, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर 1911 में इसका जिम्मा दिया गया आपके पास प्रोफेसर वैलिस पी सेडीन को। प्रोफेसर वैलिस पी सेडीन, इनको 1911 में चांस दिया गया कि आप पता लगाइए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये जो म्यूजियम हॉल है किन कारणों से ये एकॉस्टिकली गुड नहीं है। क्या रीजन है कि जब इस हॉल में ऑडियंस बैठी होती है तो मैसेजेस स्पीकर के जरिए उन तक क्यों सही ढंग से डिलीवर नहीं हो पा रहे। और जब प्रोफेसर सी वैलिस ने उस हॉल को स्टडी किया मींस बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, तो उसने बहुत सारे पॉइंट्स ढूंढ के निकाले जिसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ये पुलर हॉल या क्यों ये पर्टिकुलर म्यूजियम एकॉस्टिकली गुड हॉल की कैटेगरी में नहीं आया। और उसको बताने के लिए, ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है हमारे आज की डेट में, कि अगर किसी रूम को एकॉस्टिकली गुड होना है तो उसमें ये रेवर्बरेशन पीरियड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बात आती है फिर रेवर्बरेशन पीरियड है क्या। तो आप इस तरह से लीजिए कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप देखिए, जब मैं बिल्कुल भी, जब लेक्चर शुरू नहीं हुआ, जब मैं आपसे बात करने का स्टार्ट कर रहा हूं, शुरू में मैं बिल्कुल चुप हूं, मेरा साउंड का इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो है। और जब मैं अपनी बात रखता हूं तो आप देखिए, मैं अपनी साउंड की इंटेंसिटी को स्लोली स्लोली क्या कर इंक्रीज करता हूं। वो एक समय आता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते समय मैं उस लेवल तक पहुंच जाता हूं और वहां पर जाके मैं अपनी स्पीच को क्या करता हूं, स्टॉप करता हूं। मीन्स आफ्टर अ पर्टिकुलर सेंटेंस आई गिव अ व्हाट पॉज ओवर देयर, मैं वहां पर रुकता हूं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट समय भी आपके साथ बात करते समय थोड़ी देर के लिए बीच में पॉज देता हूं। वो जो पॉज है, वो पॉज हम इस पोजिशन पे, इस डायग्राम में इस पोजिशन को दिखा रहे हैं। ध्यान रखिएगा आपका साउंड इस ओ पोजिशन से लेके, मैं इसको ए पोजिशन कह रहा हूं, तो ओ से लेके ए तक ये जो ग्राफ राइज कर रहा है इसको हम ग्राउथ कह रहे हैं, ग्राउथ ऑफ द साउंड वेव। इसको आप ग्राउथ की टर्म्स में देखिए, ग्राउथ ऑफ योर साउंड वेव। और ये जो पॉइंट ए है बेटा, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं कि ये वो पॉइंट है जहां पर हमने स्पीच को स्टॉप किया, वेयर द स्पीच स्टॉप्स। हम कह सकते हैं कि स्पीच ने वहां पर क्या किया, सीज किया। जब मैं इस रूम में हूं, मैं लेट करूं, मैंने कुछ सेंटेंसेस बोलना शुरू किया, मैंने अपनी साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू किया और एक समय तक मैं उसको बढ़ाता गया, वहां पर जाकर मैंने पॉज दे दिया, I stopped speaking over there. अब होगा क्या, साउंड में जो आपके पास साउंड है रूम के भीतर, वो एकदम से शार्पली आपके पास फॉल नहीं करेगा। जैसे आप एक डॉट के जरिए दिखा रहे, देखिए ये डॉट जो है, ये बॉटम पे जो डॉट आ रहा है एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, मैं लेट करता हूं वो पॉइंट M है। अगर मैं A से शार्पली फॉल करूं M पे, तो हम कह रहे हैं कि आपका साउंड का इंटेंसिटी उस रूम में, कौन सा रूम, ध्यान रखिएगा ये बेटा, ये जो केस है जहां तो आपके पास बिल्कुल प्योर क्लोज्ड रूम में स्टडी होगा, या फिर वो रूम पार्शली एनक्लोज्ड होना चाहिए, पार्शली क्लोज्ड होना चाहिए। अब देखिए, क्लोज्ड रूम और पार्शली क्लोज्ड रूम में फर्क क्या है, आपको उसको पहले समझना है। ऐसा रूम जैसे आमतौर पर आप क्लासेस लेने के लिए आप किसी क्लासरूम में जाते हैं, तो आपने देखा होगा आमतौर पे फोर वॉल्स हैं, रूफ है, फ्लोर है, आपके पास उस रूम में कुछ खिड़कियां लगी होती हैं, कुछ डोर्स होते हैं। लेकिन जब हम क्लोज रूम की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जब आपने रूम को एंटर किया, आपका डोर भी क्लोज होना चाहिए, आपके उस रूम में सभी की सभी विंडोज भी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, तब मैं उस रूम को कहूंगा क्लोज रूम।
लेकिन वही देखिए, जब आप उसी रूम को एंटर करते हैं, और अगर उस रूम में आपके पास डोर तो क्लोज है, और लेकिन आपने उस रूम की वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसकी कुछ विंडोज को क्या करके रखा है, ओपन करके रखा है। समटाइम्स ज्यादा गर्मी है तो आप डोर को भी क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। तब मैं उस रूम को क्लोज रूम नहीं कहूंगा, तब मैं उस रूम को पार्शली क्लोज रूम कहूंगा। तो आमतौर पे रेवर्बरेशन पीरियड को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, क्लोज रूम या पार्शली एनक्लोज रूम की बात करते हैं। अब उस क्लोज रूम या पार्शली एनक्लोज रूम में जब स्पीकर जो लेक्चरर है, जो आपके पास लेक्चर डिलीवर करने के लिए आया, या फिर स्पीकर जो स्पीच डिलीवर करने के लिए आया है, जब उस स्पीच को डिलीवर करेगा तो ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे पहले उसका साउंड का इंटेंसिटी ओ से ए की तरफ इंक्रीज करेगा, जिसको हम ग्राउथ ऑफ साउंड वेव एरो के साथ दिखा रहे हैं। और जैसे ही वो स्पीच को स्टॉप करेगा एट पॉइंट ए, क्योंकि टाइम तो बीत रहा है, मैंने कहा टाइम टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टाइम टी इक्वल्स टू एम तक आपके पास साउंड ने इंक्रीज करना शुरू किया, उसकी ग्रोथ हो रही है, पर लेकिन जैसे ही टाइम एम तक पहुंचा आपके पास स्पीकर ने स्पीच को डिलीवर करना बंद कर दिया। ही गेव अ पॉज ओवर देयर, वो रुक गया। अब उस पॉज के बाद साउंड का इंटेंसिटी एकदम से शार्पली डिक्रीजेस टू एम, मीन्स जीरो पे शार्पली फॉल नहीं करेगा। रूम के भीतर साउंड जो है वो एक्सपोनेंशियली फॉल करती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉल मीन्स ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो आपके पास डिक्रीज आ रहा है, ए से होता हुआ मैं लेफ्ट कर रहा हूं, ये किसी पॉइंट बी तक पहुंच रहा है, बी से होता हुआ ये किसी पॉइंट सी तक जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है, जो ए से बी, बी से होता हुआ सी, एंड सी से होता हुआ ये आपके पास एक्सटेंड कर रहा है अभी आगे की तरफ, ये जो डिक्रीज है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, मींस एकदम से शार्पली डिक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ध्यान रखिएगा बेटा, साउंड का इंटेंसिटी ए पोजीशन पे स्पीकर का क्या था, सबसे मैक्सिमम था। इसको हम यहां पर दिखा रहे हैं, साउंड का इंटेंसिटी समय क्या था, मैक्सिमम था। और जब स्पीकर ने स्पीच को डिलीवर करना बंद कर दिया, उस समय ध्यान रखिएगा यहां से हम टाइम शुरू कर रहे हैं, उस समय से लेके वो समय जब साउंड का इंटेंसिटी लेवल तक फॉल कर गया 10^-6 तक का, मींस ई नॉट यहां पर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के एग्जैक्टली 10^-6 मींस 1,000,000th ऑफ द पीक वैल्यू को जब वो फॉल कर गया। ध्यान रखिएगा ये आपके पास जो वैल्यू है, यहां मैंने ग्राफ को कट किया है, इसको हम इसका मिनिमम वैल्यू कह रहे हैं। हम कह रहे हैं साउंड का इंटेंसिटी जब आपके पास फॉल करते करते इस लेवल को रीच करेगा 10^-6 टाइम्स दैट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तब आपके पास रूम में जो स्पीच है वो आपको सुनाई नहीं देगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में तो स्पीच स्पीकर ने कब बंद कर दी थी, ए पॉइंट पे जब टाइम एम तक हुआ था, जीरो से लेकर एम तक, लेकिन रूम में आपके पास अभी भी वो साउंड प्रिवेल कर रहा था। और साउंड कब तक प्रिवेल करता रहा, साउंड प्रिवेल हुआ जब स्पीकर ने स्पीच को बंद किया, तब से लेके वो समय जब तक उसका स्पीच का इंटेंसिटी 10^-6 टाइम्स दैट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं हुआ, क्योंकि इसके बिलो अगर साउंड का इंटेंसिटी जाता है तो वो हम लोगों को सुनाई नहीं देता, मींस हम इंसानों के लिए वो ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज के बिलो होता है। इसका मीनिंग है जब तक हमारे कान उस साउंड को सुन पा रहे हैं, वो टाइम कौन सा था, वो टाइम था एम से लेके, मैं लेट करता हूं ये एम पोजिशन है, एम से लेके एन तक आपके पास जो टाइम है उस टाइम के लिए हमें साउंड वेव रूम के भीतर सुनाई दे रही है। पर लेकिन कब, ये वो समय है जब स्पीकर ने स्पीच को बंद कर दिया रूम में, पर लेकिन उसके बाद साउंड जो रूम में प्रिवेल कर रही है इतनी देर तक के लिए जब तक कि उसका लेवल 10^-6 टाइम्स दैट ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी तक नहीं पहुंच जाता। तो साउंड का प्रिवेल करना रूम में व्हेन द स्पीकर स्टॉप स्पीकिंग, और ये जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड है रूम में जो स्पीकर के स्पीच को बंद करने के बाद भी रूम में मेंटेन रहती है, इसी टाइम इंटरवल को ध्यान रखिएगा, कौन सा टाइम इंटरवल, एम से लेके एन तक का टाइम इंटरवल, इसी टाइम इंटरवल को हम यहां पर रेवर्बरेशन टाइम या रेवर्बरेशन पीरियड कहते हैं। तो समटाइम्स वी मे ऑल्सो राइट दिस टू बी एज रेवर्बरेशन टाइम। तो आप इसको पीरियड की बजाय एग्जाम्स में ये टाइम की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो ग्राफ है इसमें तो मैंने जीरो से ए राइज करते हुए दिखाया, पर लेकिन आप देखिए एक डॉट हम ये भी दिखा रहे, ये स्ट्रेट लाइन। मैं अगर इस डायग्राम की बात करूं तो इसमें बेटा हमने जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ आपके पास स्टेडी है। इसका मीनिंग है ये आपके पास किसी स्टेडी साउंड सोर्स की बात कर रहा है, मीन्स जैसे हमने कोई स्पीकर लगाया है उसने साउंड की इंटेंसिटी को एट द सेम लेवल रखा है। अगर साउंड की इंटेंसिटी की बात करता हूं तो लेट करते हैं जो भी साउंड की इंटेंसिटी थी, लेट करते हैं वो आई नॉट है, तो उसने साउंड की इंटेंसिटी को थ्रू आउट मेंटेन रखा। और ये वो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा फाइनल पॉइंट जहां पर मैंने डॉटेड लाइंस यहां पर दिखाई है, ये वो पॉइंट है जहां पर साउंड को टर्नड ऑफ किया गया है, मीन्स लेट करते हैं स्पीकर को हमने उस रूम में स्विच ऑफ कर दिया। स्पीकर तो स्विच ऑफ हो गया है लेकिन अभी भी रूम में वो साउंड प्रिवेल कर रही है, तो साउंड कितनी देर तक रूम में प्रिवेल करेगी ये ग्राफ आपके पास यहां से लेके यहां दिखा रहा है। ये दिखा रहा है रूम में साउंड यहां से लेके इस पॉइंट तक प्रिवेल कर रही है, या फिर इसको आप एक्सटेंडेड फॉर्म यहां तक ले लीजिए, यहां से डॉट नीचे लीजिएगा, अब इस पॉइंट तक साउंड जो है रूम में प्रिवेल कर रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर साउंड कंडेंसी इससे बिलो चला जाता है तो ये वो लेवल है जो हमें सुनाई नहीं देगा, पर लेकिन हम यहां से लेके यहां तक इस लेवल तक सुन पा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि साउंड का प्रिवलेंस रूम में जब स्पीकर ने स्पीच को स्टॉप कर दिया, वो जो समय है जिस समय तक रूम में साउंड प्रिवेल कर रही है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज रेवर्बरेशन टाइम। और ये रेवर्बरेशन टाइम एकॉस्टिक्स ऑफ हॉल में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये लेके चलिए कि अगर ये टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल रेवोल्यूशन पीरियड की बात करूं किसी रूम के लिए 0.5 सेकंड से लेके अगर ये 1 सेकंड तक का होता है, मींस रूम में जो प्रिवलेंस ऑफ साउंड है जब स्पीकर ने स्टॉप कर दिया स्पीक, आपके पास रूम में अगर ये साउंड 0.5 से लेके 1 सेकंड तक प्रिवेल कर रहा है तो वो रूम बहुत ही बेटर रूम कहलाएगा फॉर स्पीच या लेक्चर पर्पज के लिए। किसके लिए? स्पीच या फिर लेक्चर पर्पज के लिए। लेकिन वहीं पे अगर ये टाइम पीरियड टी आपके पास 1 सेकंड से लेके 1.5 सेकंड तक प्रिवेल करता है रूम में, मींस अब मैं देखिए 1 सेकंड के अबव की बात कर रहा हूं, ज्यादा देर तक के लिए प्रिवेल कर रहा है रूम में, तब आपके पास ये रूम गुड होगा फॉर म्यूजिक और डांस पर्पसेस। तो म्यूजिक या डांस जैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहां पर आपके पास म्यूजिक प्लेस, देखिए डांस तभी होगा जब म्यूजिक होगा, तो हम कह रहे हैं कि आपके पास डांस तो तभी होगा ना जब म्यूजिक होगा। तो कहने का मतलब वो रूम डांस पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं या म्यूजिक यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वहां पर रूम में साउंड का प्रिवलेंस स्पीकर के स्पीच को स्टॉप करने के बाद कितनी देर तक के लिए होल्ड करता है उस रूम में, 1 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड तक के लिए। लेकिन इन नो केस अगर आपके पास ये टाइम इंटरवल अगर 1 पॉइंट, ध्यान रखिएगा बेटा 1.5 सेकंड के अबव चला जाता है तो ये हमेशा अनडिजायरेबल रहता है, अनडिजायरेबल। इसका मीनिंग है कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रिपेयर्ड हॉल्स, चाहे वो ऑडिटोरियम हॉल है, चाहे वो सिनेमा हॉल है, चाहे हमने अपने लेक्चर पर्पस के लिए या किसी पर्पस के लिए या म्यूजिक या डांस पर्पस के लिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जो हमने हॉल्स बनाए हैं उसमें कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ये रेवोल्यूशन पीरियड 1.5 सेकंड के अबव चला जाए, क्योंकि अगर ये 1.5 सेकंड के अबव चला जाता है तब वहां पर अनडिजायरेबल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। आमतौर पे अनडिजायरेबल साउंड्स जो उस समय प्रोड्यूस होती हैं उनको हम एक न्यू टर्मिनोलॉजी देते हैं जिनको हम कहते हैं इको। इकोज आर जस्ट अवॉइडेड इन सच रूम्स। हाँ, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिकली गुड रूम के लिए रेवोल्यूशन टाइम इज गुड, लेकिन वो भी एक लिमिट है, जो लिमिट मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर 1.5 सेकंड के अबव चले जाएंगे तब आपके पास उस रूम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड दैट वाज द सेम थिंग एक्चुअली हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर द फॉरगॉट म्यूजियम हॉल ऑफ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पहले लोगों ने नोटिस किया और इसको स्टडी करने के लिए 1911 में प्रोफेसर वैलिस सी सेबिन ने उसके ऊपर वर्क किया। आप देखिए बेटा, अब अगर आप इसी स्टेटमेंट को देखें जो स्टेटमेंट हमने रेवोल्यूशन पीरियड के जस्ट बिलो हमें लिखा है, तो आप देखिए उसमें हमने लिखा है रेवोल्यूशन टाइम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द साउंड टू डिके इन स्पेस, बट हियर द स्पेस इज व्हाट, हियर द स्पेस इज ईदर द क्लोज रूम और द पार्शली क्लोज रूम आफ्टर द साउंड सोर्स हैज स्टॉप्ड।
जब साउंड सोर्स को हमने स्टॉप कर दिया तो आपके पास उस रूम में साउंड कितनी देर तक प्रिवेल करती रही, हम उसी को क्या नाम दे रहे हैं, वाइब्रेशन पीरियड। इट इज द टाइम इट टेक्स अस फॉर द साउंड प्रेशर लेवल इन अ रूम टू डिक्रीज बाय 60 डेसिबल्स। साउंड का जो प्रेशर है रूम में वो स्लोली स्लोली डिक्रीज करता है, और जब वो स्लोली डिक्रीज करता है तो इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, क्योंकि प्रेशर को, प्रेशर ऑफ साउंड हम डेसिबल के टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा जब आपके पास साउंड का प्रेशर 60 डेसिबल्स के बिलो चला जाएगा तो वो साउंड्स हमें सुनाई नहीं देती। हम कह रहे हैं स्पीकर ने जब स्पीच को स्टॉप किया उस समय साउंड का प्रेशर कुछ था, स्लोली स्लोली जब वो डिक्रीज हुआ तो वो जब वो डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करते समय वो समय जो बीत रहा है हमें इसको कैलकुलेट करते रहना, और जैसे ही आपके पास वो 60 डेसिबल्स को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, हमने स्टॉप कर देना। मींस जब स्टॉप किया स्पीकर ने स्पीच करना, स्पीच देना, तब से लेके जब तक वो साउंड का इंटेंसिटी कहां तक नहीं पहुंच जाता, 60 डेसिबल को रीच नहीं कर जाता, तब तक का जो साउंड का जो टाइम है, प्रिवलेंस टाइम है रूम में, वही आपके पास उस रूम का रेवोल्यूशन पीरियड कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन शॉर्ट रेवोल्यूशन टाइम लेस देन 0.5 सेकेंड इज सुटेबल फॉर रूम्स वेयर स्पीच एंड म्यूजिक आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। लेकिन देखिए बेटा, मैंने स्पीच के लिए एक पर्टिकुलर रेंज बताई है, मैंने आपसे कहा कि स्पीच के लिए आप याद रखेंगे 0.5 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड, जबकि हम बात करते हैं जब म्यूजिक की, तो म्यूजिक के लिए आपको याद रखना है कि दैट टाइम इंटरवल शुड बी लाइंग बिटवीन 1 सेकेंड टू 1.5 सेकेंड, दैट हैज बीन मेंशनड हियर। मैं देखिए म्यूजिक के लिए मैं इस एरो को यहां पर दिखाऊंगा। तो आमतौर पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो बेटा जब आप सिनेमा हॉल में बात करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर कोई साउंड वेव आपको इको प्रोड्यूस करते हुए दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन रूम्स को उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि साउंड क्लियरली आप तक पहुंच सके। एकॉस्टिकली गुड रूम के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। अब वो कंडीशंस हैं क्या, अब हम उन कंडीशंस की बात करें। मैं रेफरेंस के लिए सबसे पहला कंडीशन जो है, मैं इसी बुकलेट का देखिए, इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय सैनगेज पब्लिकेशन, और जो बुकलेट है बी के पांडे और एस चतुर्वेदी सर ने लिखा है, आप अगर इस बुकलेट को कंसिडर करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए बेटा, जब मैं एकॉस्टिकली गुड हॉल्स की बात करता हूं तो एकॉस्टिकली गुड हॉल्स का जो जिक्र था वो 19th सेंचुरी से पहले तक इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के बाद की, तो सबसे बिगेस्ट एकॉस्टिकल जो प्रॉब्लम सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया वो आपके पास किसमें ऑब्जर्व किया गया, द फॉग आर्ट म्यूजियम हॉल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये इतना डिफेक्टिव था कि वहां पर जो स्पीकर्स लगे थे, जब स्पीच डिलीवर की जाती थी तो वो आपके पास एक इंटेलिजेंट वर्ड्स मीन्स देट आर नॉट एक्चुअली मेकिंग एनी सेंस टू द लिसनर, लिसनर तक आवाज तो पहुंचती थी बट दे आर नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स। तो आपके पास वो उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते थे कि उनसे क्या कहा जा रहा है। वो इतना डिफेक्टिव रूम था एकॉस्टिकली, हम कह सकते हैं कि इसके लिए फिर एकॉस्टिकल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए प्रोफेसर वैलिस सी सबीन को सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़े। इस ईयर में 1911 में, और ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स फाउंड आउट की, और वो फाइंडिंग्स जो है वो आज की डेट में हम एकॉस्टिक्स ऑफ गुड हॉल में हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। मैं एक एक करके उन फाइंडिंग्स की बात करता हूं। हम किस रूम को एकॉस्टिकली गुड रूम कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा पहला कंडीशन आता है कि किसी रूम को एकॉस्टिकली गुड कब कहा जाएगा। पहला कंडीशन देखिए, द साउंड शुड बी सफिशिएंटली लाउड एंड इंटेलिजिबल एट एवरी पॉइंट इन द हॉल। लेट कीजिए आप किसी हॉल में बैठे हुए, स्पीकर स्पीच डिलीवर कर रहा है, तो जब जो भी टर्मिनोलॉजी वो एक्सप्लेन कर रहा है या फिर जिस भी कॉन्सेप्ट को बता रहा है वो आप तक बिल्कुल क्लियरली पहुंचना चाहिए, मीन्स यू शुड बी इन ए पोजिशन टू लिसन केयरफुली। ऐसा ना हो कि वो जो आपके पास मैसेज डिलीवर कर रहा है वो आप तक क्लियर साउंड की फॉर्म में आपके पास ना पहुंचे, तो मे बी द चांसेस कि आपके पास नॉइज पहुंच रही है या फिर आपका जो साउंड है उसका इंटेंसिटी आपके कानों तक उतना नहीं पहुंच पा रहा जितना कि शुरू के बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंट्स तक है। तो आमतौर पर आपने क्लास में भी ऑब्जर्व किया होगा कि आमतौर पर जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है तो आमतौर पर कई टीचर ऐसे होते हैं जो लाउड पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्टली पढ़ाते हैं,
जो लाउड पढ़ा आ रहा है उसका साउंड इंटेंसिटी इतना है कि फ्रंट बेंच में बैठे हुए स्टूडेंट्स तक भी साउंड का इंटेंसिटी ठीक रहेगा और लास्ट बेंच में बैठे हुए स्टूडेंट्स तक भी साउंड का इंटेंसिटी ठीक रहेगा। और एक कुछ टीचर जो बिल्कुल सॉफ्ट पढ़ाते हैं तो शुरू के बच्चों को तो सुनाई देगा, लेकिन लास्ट के बच्चों को, लास्ट में बैठे हुए लास्ट बैक बेंचेस जिसको हम कहते हैं, तो उन तक बच्चों तक वो साउंड का इंटेंसिटी सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। तो हम उस रूम को एकॉस्टिकली गुड रन नहीं कहेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ द टीचर। अगर ऐसा है भी, अगर वो सॉफ्ट स्पोकन है, तो हम क्या कर सकते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ सम अदर अरेंजमेंट। वो कैसे की जाएगी वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। पहला पॉइंट, हम कह रहे हैं कि जो साउंड है रूम में वो आपके पास सफिशियंटली लाउड होनी चाहिए। टीचर जो है वो सफिशियंटली इस तरह से बात करे कि साउंड का इंटेंसिटी थ्रू आउट द रूम एक जैसा रहे। पर इन कुछ रूम्स ऐसे भी होते हैं जो लेंथ में काफी लंबे होते हैं, क्राउड ज्यादा होता है, तो शुरू के बच्चों तक तो साउंड का इंटेंसिटी ठीक पहुंच रहा था, लेकिन बैक बेंचेस तक साउंड का इंटेंसिटी अगर नहीं ठीक पहुंच रहा तो हमें उसको करेक्ट भी करना है। उसको करेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रॉपर स्पीकर सिस्टम्स। उस पूरे रूम में आपके पास प्रॉपर ऑडियो सिस्टम्स लगे होने चाहिए कि अगर आपके पास, मैं लग कर रहा हूं, 5 या 6 डेक्स के बाद साउंड का इंटेंसिटी अगर 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 5 या 6 डेक्स के बाद हमें वहां पर ऐसा स्पीकर सिस्टम इंस्टॉल करना है वहां पर साइड वॉल्स में, ताकि आपके पास वो 20% जो डिक्रीज हुआ है वो 20% साउंड की इंटेंसिटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। 80% तो पहुंच रहा है साउंड का इंटेंसिटी, जो 20% डिक्रीज हुआ दैट कैन बी एक्चुअली मेंटेन बाय दोस स्पीकर्स। सिमिलरली आपको जैसे से हम बैक साइड में जा रहे हैं, अगर साउंड इंटेंसिटी स्लो स्लो डिक्रीज कर रहा है तो कितने अमाउंट में डिक्रीज कर रहा है, दैट हैज टू बी इंक्रीज बाय मीन्स ऑफ प्रॉपर स्पीकर सिस्टम। एकॉस्टिकली गुड रूम का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपके पास साउंड जो है वो इंटेलिजिबली हर पॉइंट पे पहुंचनी चाहिए, और हर पॉइंट पे पहुंचाने का जो रीजन है, जो आपके पास जरिया है, वो आपके पास है एक प्रॉपर स्पीकर सिस्टम या प्रॉपर ऑडियो सिस्टम्स उस रूम में होने चाहिए। सेकंड है, देयर शुड बी नो इको। देखो बेटा, इको की जब हम बात करते हैं तो इको का मेन कॉज होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब आप किसी रूम में बात करते हैं तो आपका साउंड वेव डायफ्रेक्ट करता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और डायफ्रेक्ट करते समय आपका साउंड वेव वॉल्स के ऊपर भी जा रहा है, बैक वॉल्स पे भी जा रहा है, फ्लोर पे भी जाता है, रूफ पे भी जा रहा है। तो जब आप बात करते हैं तो एक तो आपका डायरेक्ट साउंड आपके पास लिसनर तक पहुंच रहा है, और दूसरा है आपके पास जो वॉल्स के पास जो साउंड पहुंच रहा है वहां से वो रिफ्लेक्ट होके आपके पास लिसनर तक पहुंच रहा है। तो इसका मीनिंग है, एक तो डायरेक्ट पहुंचा, एक रिफ्लेक्ट होके इनडायरेक्ट वे में पहुंच रहा है। बिकॉज ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स जब ऐसा होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, तो सुपरपोजिशन के कारण आपके पास क्या होगा, एक न्यू रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी, और रिजल्टेंट वेव जो होगी उसका एम्पलीट्यूड या उसका इंटेंसिटी नेचुरली पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को कम से कम करना है, और हमने देखा अगर रेवरबेशन पीरियड 1.5 सेकंड से ज्यादा हो जाता है तब वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इको प्रोड्यूस होगा। तो इको के प्रोड्यूस होने का मेन रीजन है मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रेवरबेशन टाइम विच इज ग्रेटर देन 1.5। तो हमें इसको अवॉइड करना है। बात आती है इको को कैसे अवॉइड करें, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को कैसे अवॉइड करें। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस इको को या मल्टीपल रिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए फ्लोर पे आप कारपेट्स बिछा सकते हैं, ताकि साउंड का वेव जब फ्लोर के ऊपर स्ट्राइक करे तो कारपेट्स उन साउंड वेव को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। वॉल्स की अगर मैं बात करूं तो वॉल्स में हम प्रॉपर कर्टन्स लगा सकते हैं। प्रॉपर कर्टन होगा तो कर्टन्स आपके पास एक प्रॉपर एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करेंगे, जो साउंड वेव वॉल्स के ऊपर गिरने वाली आप कर्टन के ऊपर गिरेगी और कर्टन्स उन साउंड वेव को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, पार्शली एनक्लोज्ड रूम्स, कुछ विंडोज को हम ओपन कर सकते हैं। मुझे बताइए, जब विंडो के ऊपर साउंड वेव पहुंचेगी तो ओपन विंडो से वो साउंड वेव बाहर चली जाएगी, तो ओपन विंडोज आर एक्चुअली एक्टिंग एज व्हाट, द गुड एब्जॉर्बर। आपके साउंड वेव जो बाहर गई वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी, वो आपके पास एज एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगी। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को हम कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद बेटा देखिए, रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, रिलेटिव इंटेंसिटीज। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स साउंड्स मस्ट बी मेंटेन। कहने का मीनिंग है, जब हम रिलेटिव इंटेंसिटीज की बात कर रहे हैं, मेरा साउंड का इंटेंसिटी है, अब आपके पास जो डायरेक्ट डायरेक्टली आप तक पहुंच रहा है, रिफ्लेक्ट करके भी साउंड वेव्स पहुंच रही है, तो हम कह रहे हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटीज जो है उनको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहला रीजन बताया, हम उनको कैसे कम कर सकते हैं, वो रीजन भी हो सकता है। इसके अलावा फॉर द सेक ऑफ, फोर्थ पॉइंट है,
For the sake of the clarity, the successive syllables spoken must be clear and distinct. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब देखिए एक प्रॉपर सेंटेंस के बाद हम एक पॉज देते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो स्टेटमेंट आप तक क्लियर पहुंच सके। तो आपके पास एकॉस्टिकली गुड रूम्स में एक प्रॉपर सिलेबल का आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं आपके स्टेटमेंट को रोकते हैं, और वहीं पे अगर मैं कंटिन्यूटी में आपसे बात करूंगा तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आमतौर पे आर माधवन का एक सॉन्ग है ब्रीदलेस, उस ब्रीदलेस सॉन्ग को प्रिपेयर करते समय इस तरह के रूम्स जनरेट किए गए हैं जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या हो बहुत ज्यादा, ताकि एक साउंड वेव जब स्पीकर स्पीच को स्टॉप कर रहा है तब भी वो साउंड वेव रूम में प्रिवेल कर रही हो कि आपके पास तब तक नेक्स्ट सिलेबल स्टार्ट हो जाए। आप देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने अपने आप को स्टॉप किया, साउंड वेव आप तक जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से पहुंच रही है और भी साउंड वेव्स आप तक पहुंच रही हैं, सुन रहे हैं आप, इतनी देर में मैं दोबारा से बात करना शुरू कर देता हूं तो आपको कंटिन्यूटी में सुनाई देगा। जब आप किसी चीज को कंटिन्यूटी में सुनेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप तक इंफॉर्मेशन सही ढंग से नहीं पहुंचेगी। तो किसी रूम को एकॉस्टिकली गुड होने के लिए आपके पास सिलेबस प्रॉपरली और क्लियरली और डिस्टिंक्ट आप तक पहुंचना चाहिए। तो किसी रूम को एकॉस्टिकली गुड हम तभी कहेंगे अगर उसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज क्या है, मेंटेन है। नेक्स्ट वन इज देयर शुड बी नीदर कंसंट्रेशन ऑफ साउंड नॉर जोन ऑफ साइलेंस। अब आप बेटा इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको देखिए, मैंने कहा ना तो ऐसा रूम में ऐसा हिस्सा नहीं होना चाहिए जहां पर आपके पास या तो साउंड वेव कंसंट्रेट कर जाए या फिर आपको साइलेंस जोन हो जाए। कहने का मीनिंग है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहां पर देखिए, लेट कीजिए कि ये आपके पास वो रूम है जिसमें साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। मैं लेट करता हूं, यहां पर स्पीकर है जो स्पीच डिलीवर कर रहा है और ये साउंड वेव आपके पास टुवर्ड्स द राइट साइड आपके पास फ्लो कर रही है। अब मुझे बताइए अगर विद इन द रूम मैंने यहां पर एक पिलर खड़ा कर दिया, मैं टॉप व्यू ले रहा हूं बेटा, पिलर खड़ा कर दिया जो कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप में है, आपको दिखाते समय मैं सर्कल दिखा रहा हूं, मतलब ये सर्कल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं इस रूम को टॉप से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, तो ऊपर से देखने पे वो सिलेंडर आपको सर्कल ही दिखाई देगा। देखिए बेटा ये सिलेंड्रिकल पिलर है जिसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, और लेकिन जब इसी सिलेंडर को टॉप से देखेंगे तो टॉप से आपको एक सर्कल ही दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको सर्कल दिखा रहा हूं। अब मुझे बताइए जब साउंड वेव यहां से फ्लो करते हुए मैं लग करता हूं इस पिलर के साथ स्ट्राइक करेगा तो साउंड वेव आपके पास क्या कर जाएगा, स्कैटर कर जाएगा ईदर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब मुझे बताइए साउंड वेव पहले भी तो यहां पर पहुंच रही है, इस तरफ वॉल के ऊपर फॉल कर रही है, साउंड वेव यहां से वॉल के ऊपर फॉल कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के कारण ये वेव इस तरफ भी जाएगी, रिफ्लेक्शन का ये वेव यहां पर भी जाएगी, नो डाउट। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो लिसनर्स बैठे होंगे इस वॉल के पीछे, इस पिलर के पीछे, उन तक डायरेक्ट साउंड वेव नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वो साउंड वेव उनके पास पहुंच रही है, और रिफ्लेक्शन से जो साउंड वेव पहुंचेगी वो थोड़ी देर के बाद पहुंचेगी। तो ध्यान रखिएगा हम कह रहे हैं कि आपके पास रूम में ये जो हिस्सा है, देखिए डायरेक्ट वेव जो जा रही है वो रिफ्लेक्ट करके स्कैटर करके वो इस तरफ चलेगी, वो आपके पास इस जोन में नहीं पहुंच पाई। कौन सा जोन, जो जोन में इसको जब मैं आपके पास डार्क कर रहा हूं, ये वो जोन है जहां पर डायरेक्टली साउंड वेव नहीं पहुंच पा रही, वहां पर साउंड वेव पहुंच रही है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, डायरेक्ट नहीं पहुंच रही, इनको हम साइलेंस जोन कहते हैं। यहां का जो लिसनर होगा उस तक तो साउंड वेव डायरेक्टली पहुंच रही है, उस तक साउंड वेव आपको रिफ्लेक्ट होकर भी पहुंच रही है। तो कहने का मीनिंग है कुछ हिस्से ऐसे रूम में होंगे जहां पर साउंड वेव डायरेक्टली पहुंच जाएगी और कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर साउंड वेव डायरेक्ट ना पहुंच के आपके पास क्या होगी, इनडायरेक्ट वे में मल्टीपल रिफ्लेक्शन से पहुंचेगी। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हम चाहते हैं कि रूम एकॉस्टिकली गुड हो तो वहां पर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ साउंड नहीं होना चाहिए और जोन ऑफ साइलेंस भी नहीं होना चाहिए। अब कंसंट्रेशन ऑफ साउंड, मैंने जोन ऑफ साइलेंस तो बता दिया, कंसंट्रेशन ऑफ साउंड की जब हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ साउंड का मीनिंग क्या है। हम कह रहे हैं एक तो हमने पिलर्स को अवॉइड करने की बात की, हमने कहा भाई रूम जो है, जो हॉल आप यूज कर रहे हैं वहां पर पिलर्स नहीं होने चाहिए, दैट शुड बी अवॉइडेड। दूसरा हम कह रहे हैं कि जो रूम आप बनाएं वो रूम इस तरह से ना हो, रूम्स आपके पास कर्व शेप के नहीं होने चाहिए। मुझे बताइए अगर साउंड वेव इस कर्व शेप रूम के ऊपर फॉल करती है, जस्ट लाइक लाइट, लाइट वेव की तरह ही इसको अंडरस्टैंड कीजिए, वहां पर भी आप वेव मैकेनिक्स, आपके पास आप क्या करते थे,
लाइट वेव का वेव करेक्टर लेके आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते थे। अब मुझे बताइए अगर ये साउंड वेव इसको स्ट्राइक करेंगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यहां से भी साउंड वेव रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, तो ये साउंड वेव कॉलिमेट करेंगी इस पॉइंट पे, जैसे लाइट कॉलिमेट करती है कनकेव मिरर के केसेस में। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर का केस लेके आप वॉल्स को उस तरह से भी साउंड वेव के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए मिरर का केस मैं यहां पर ले रहा हूं जब लाइट को दिमाग में रखते हैं, जब मिरर को ना लेके दीवार की शेप ऐसे लोगे तो वहां पर साउंड वेव का रिफ्लेक्शन की बात होगी। तो मुझे बताइए ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पर मैंने डॉट लगाया है, जहां पर साउंड वेव क्या कर रही है, यहां पर साउंड वेव कंसंट्रेट कर रही है, यहां पर साउंड वेव क्या कर रही है कंसंट्रेट। मुझे बताइए पिलर के केसेस में जब साउंड वेव यहां पर टकरा रही थी तो यहां से डायफ्रेक्ट कर रही थी, तो यहां पर कंसंट्रेशन की बजाय यहां पर क्या है डायफ्रेक्शन, वहां पर डायफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ साउंड वेव है। तो जहां पर साउंड वेव कंसंट्रेट करेगी वहां पर साउंड का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, और जहां पर वेव डायफ्रेक्ट करेगी वहां पर साउंड का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास किसी एकॉस्टिकली गुड रूम को बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जोन ऑफ साइलेंस भी नहीं होना चाहिए, ना ही कंसंट्रेशन ऑफ साउंड वाला जोन होना चाहिए, इसको अवॉइड करना है। सिक्स्थ वन है अनड्यू नॉइज नहीं होनी चाहिए और इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। अब देखिए अनड्यू नॉइज क्या मतलब क्या हुआ, रूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें स्पीकर जो स्पीच डिलीवर कर रहा है उसकी स्पीच में हिंड्रेंस क्रिएट हो। कहने का मीनिंग है कि जब आप ऐसे रूम्स बना रहे हैं एकॉस्टिकली गुड रूम्स बना रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखना है कि आपके पास जो रूम्स होने चाहिए वो साउंड प्रूफ होने चाहिए, मीन्स बाहर का जो डिस्टर्बेंस है रूम के बाहर का जो शोर है वो रूम के भीतर नहीं आना चाहिए, और रूम के भीतर भी जो कंपोनेंट्स लगे हैं जैसे आमतौर पे आपने एसी लगाया है या फैन लगाए हैं या फिर कोई आपने मोटर भी आपने रखी है तो दैट शुड बी ऑफ द नेचर कि भाई वो इतना साउंड जनरेट ना करें कि स्पीकर जो आपके पास जो स्पीच डिलीवर कर रहा है उसका स्पीच या उसके जो मीनिंगफुल जो वर्ड्स हैं वो आप तक पहुंच ही ना पाए। मुझे बताइए मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन पीछे शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरी आवाज आप तक या मेरा इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसा ना हो कि रूम के भीतर एकॉस्टिकली गुड आपने सारा कुछ सिस्टम ठीक कर दिया एज पर द पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, लेकिन फैन ऐसा लगा दिया जिसका मोटर ही इतना खराब है कि वो कर रहा है घर घर घर, तो आप मुझे बताइए क्या आप अपने टीचर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसको सुन पाएंगे, नहीं। तो इसलिए ऐसे अनड्यू नॉइज और आपके पास इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस को भी हमें अवॉइड करना। अब इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग क्या होगा बेटा, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस के मीनिंग से मीनिंग है कि आपके पास जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस रूम के भीतर हो रही हैं वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इस तरह से ना हो, साउंड वेव की रिफ्लेक्शन इस तरह से ना हो कि जब वेव्स वापस रिफ्लेक्ट करके सुपर इम्पोज करे तो दैट शुड नॉट बी इन फेज, वो फेज में नहीं होनी चाहिए। अगर वो फेज में हो गई तब आपके पास ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और ओवरऑल एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एकदम से राइज कर जाएगी। साउंड का इंटेंसिटी कुछ पॉइंट्स पे जहां पर सभी साउंड वेव जो सुपर इम्पोज करी अगर वो फेज में आ गई साउंड का इंटेंसिटी एकदम से लाउड हो जाएगा, तो कुछ हिस्से रूम में ऐसे बन जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी। तो आपने कई बार ऑडिटोरियम हॉल में देखा होगा जब स्पीकर सिस्टम जो लगे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो कहीं पर बैठे हुए होते हैं तो वहां पर उनको लगता है बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, तो अपने कानों को वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वो रीजन क्या है, साउंड वेव्स जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है टू और मोर देन टू साउंड वेव जब आती फेज में आ जाती है तो उनको हमें अवॉइड करना है। तो इनको अवॉइड कैसे किया जाएगा कि अगर रूम बहुत बड़ा है तो उस बड़े रूम में जैसे ऑडिटोरियम हॉल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा ऑडिटोरियम हॉल में तो सीढ़ियां भी होती स्टेयर्स भी होती, हमने इन स्टेयर्स को कारपेट लगा के कवर तो कर दिया कि एब्जॉर्ब कर ले साउंड, लेकिन फिर भी साउंड वेव कुछ ना कुछ इन सीढ़ियों के साथ स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक भी तो करेगी, हर सीढ़ी से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अगर मैं हर सीढ़ी का साइज बराबर रखता हूं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव फेज में आ जाएगी, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए जो सीढ़ियों की जो विड्थ होती है उसमें स्लाइटली डिफर किया जाता है। अगर एक 1 मीटर की है दूसरी सीढ़ी 1.1 मीटर की बनाई जाएगी, तीसरी सीढ़ी 0.9 मीटर की बनाई जाएगी। मैं कह रहा हूं कुछ पॉइंट्स से आपने लेंथ को क्या करना है, चेंज करना है ताकि रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स इसमें ना आ जाए, फेज में ना आ जाए, तो फेज को हमें अवॉइड करना है, और जब फेज में नहीं आएगी रेजोनेंस कंडीशन एस्टैब्लिश नहीं होगी।
7th one, the revelation should be neither too large nor too small. हमने अभी अभी जस्ट इसकी वैल्यू से आपको बता दिया, अगर 0.5 सेकंड से भी कम रेवल्यूशन हुआ तब भी वो रूम एकॉस्टिकली गुड नहीं है, स्पीच के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर रूम का आपके पास रेवल्यूशन पीरियड 1.5 सेकंड से ज्यादा है तब भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो इसका मीनिंग है रेवल्यूशन पीरियड जो है या रेवल्यूशन टाइम जो है वह आपके पास एक प्रॉपर रहना चाहिए, दैट शुड नीदर बी टू लार्ज मीन्स 1.5 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट टू स्मॉल लेस देन 0.5 सेकंड से कम भी नहीं होना। सेवंथ वन है देयर शुड बी रेजोनेंस विद इन द बिल्डिंग। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये रेजोनेंस विद इन द बिल्डिंग की जो बात की जा रही है डेट हैज टू बी अवॉइडेड, दे शुड नॉट बी यहां पर होना चाहिए, ठीक है, दे शुड नॉट बी अ रेजोनेंस विद इन द बिल्डिंग। क्योंकि अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस कंडीशन में जो खिड़कियां होंगी, जब आपके पास साउंड का इंटेंसिटी जब बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास हाई हो जाएगी, तो उसके कारण जो खिड़कियां हैं या डोर हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेशन होने के कारण आपके पास डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को करेक्ट कर लीजिएगा, दैट शुड बी अवॉइडेड, हमें वाइब्रेशन को क्या करना है, अवॉइड करना। तो देखिए सेवंथ एट्थ पॉइंट जो यहां पर लिखा गया है आप उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सिक्स पॉइंट में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस शुड बी अवॉइडेड, हमें उसको अवॉइड करना है, दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट विद इन द बिल्डिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द एकॉस्टिकली गुड हॉल्स जो है क्या है, कैसे आप किसी रूम को एकॉस्टिकली गुड बना सकते हैं, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और जहां तक बात है रेवल्यूशन पीरियड की, उसको भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको एक बार यहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर सकते हैं। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, दिस टॉपिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स दैट इज पब्लिश्ड बाय द सैनगेज पब्लिकेशन, रिटन बाय बी के पांडे एंड एस चतुर्वेदी। तो आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो रेवल्यूशन पीरियड अगर मैं यहां से रीड आउट करूं तो आप देख लीजिए बेटा, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन बिग हॉल्स, हमने जैसे कुछ एग्जांपल से आपको बताया, दे स्प्रेड आउट, वो स्प्रेड आउट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रूम में आपके पास एक पिलर खड़ा है या एक से ज्यादा पिलर है, तो साउंड वेव जब उस पिलर के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो स्प्रेड आउट होगी, स्कैटर करेगी and strikes the surfaces of various objects in the hall. और different surfaces का strike करेगी, जैसे कि इन्होंने बताया है ceilings, walls, floors, etc. Some of the sound energy is reflected and some absorbed. कुछ sound wave क्या करेगी, reflect करेगी, कुछ absorb होगी, depending upon कि हमने absorbing material वहां पर लगाया है या नहीं लगाया, floor में carpets हैं या नहीं है, अगर है तो absorb हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो reflect back करेगी. And thus, destruction of sound energy in the hall continues to be affected. वो इस तरह से जो आपके साउंड वेव जो प्रिवेल कर रही है रूम में, वो आपके पास क्या करेगी, वो डिस्ट्रैक्ट होगी आपके पास कंटिन्यूसली, हॉल के एकॉस्टिक्स को क्या कर देगी, अफेक्ट करेगी। द रिफ्लेक्टेड पोर्शन ट्रेवल बैक इनटू द हॉल एंड रीयूनाइट टू फॉर्म ऑब्जेक्शनेबल इकोज एंड अफेक्ट्स गुड हियर। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है उसके कारण आपके पास साउंड जो रूम में होनी चाहिए उसको वो अफेक्ट करेगी, कहीं पे साउंड का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, कहीं पे साउंड का इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट लाइक वॉट, जैसे आपने लाइट के केसेस में दो या दो से ज्यादा वेव्स को, लाइट वेव्स को जब सुपर इम्पोज किया था तो आपने देखा था वहां पर या तो डायफ्रेक्शन होता था या फिर इंटरफेरेंस होता था। आपको ये बता दें कि डायफ्रेक्शन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आपको ये बता दें कि ये जो रीजन है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो डेवलप होता है उसमें या तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है या फिर इंटेंसिटी कम होती है। सिमिलरली साउंड वेव के केसेस में भी एक तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप होता है जब दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपर इंपोज करते हैं। देखिए मेरे से आपकी तरफ वेव जा रही है, ये एक वेव जो स्ट्राइक हुई वॉल के साथ वो आई, वो जब उसके साथ मिक्स होगी वो दूसरी वेव, तीसरी वॉल के साथ जो आई तो आपका फ्लोर से भी आ रही है, टॉप से भी है, तो ये सभी वेव सुपर इंपोज करेंगी और सुपर पोजिशन के कारण जो न्यू रिजल्टेंट वेव होगी वो आपके पास ओवरऑल इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह से डेवलप करेंगी कि कहीं पे आपके पास क्या होगा, साउंड का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ने से, और कहीं पे साउंड का इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा ओवरऑल एम्पलीट्यूड कम होने से। तो इसलिए हम कह सकते हैं विद इन द रूम इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो मुझे बताइए अगर विद इन द रूम इंटेंसिटी इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है तो रूम में बैठे हुए लोगों को कुछ को ज्यादा सुनाई देगा कुछ को कम सुनाई देगा, तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो हम वैसे रूम को एकॉस्टिकली गुड रूम नहीं कह सकते। अब देखिए रूम के भीतर आपके पास हमने कहा
डज एन ऑडियंस इन द हॉल रिसीव साउंड इन टू वेव, एक तो डायरेक्टली है और दूसरा है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो साउंड वेव आप तक पहुंच रही है, और दूसरा है आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन, जैसे डिफरेंट वॉल से हो गया, सीलिंग से हो गया या फ्लोर से हो गया, हम उसकी बात करें तो दो वे से आपके पास साउंड वेव पहुंच रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमने कहा द क्वालिटी ऑफ द साउंड रिसीव बाय द ऑडियंस इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू सच वेव्स, और रूम में बैठे हुए जो लोग हैं उन तक जो साउंड पहुंच रहा है वो बिकॉज ऑफ दीज टू इफेक्ट्स, कंबाइंड इफेक्ट है। मैं ये कहूं कि भाई हर किसी के पास डायरेक्ट साउंड पहुंच रहा है जरूरी नहीं है, उसके पास अगर डायरेक्ट पहुंच रहा है तो इनडायरेक्ट भी पहुंच रहा है, वो थोड़ी देर के बाद पहुंच रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन दूर से होके जब पहुंचेगी उसको टाइम लग जाएगा, तो रिफ्लेक्शन जब थोड़ी देर के बाद होगी तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स व्हाट द प्रॉब्लम्स विद इन द रूम। आपके पास है द क्वालिटी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय द ऑडियंस इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ वेव्स, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द साउंड वेव्स डायरेक्टली रिसीव्ड एंड फ्रॉम द सोर्स एंड द वेव्स रिसीव्ड बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, तो नेचुरली उसमें टाइम गैप आ जाएगा, एंड ड्यू टू दिस रीजन साउंड रिसीव्ड बाय द ऑडियंस डज नॉट सीज इमीडिएटली, और इसी रीजन के कारण मीन्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण आपके पास जो साउंड वेव जो ऑडियंस तक पहुंच रही है बेटा वो इमीडिएटली आपके पास स्टॉप नहीं होगी, और वो रूम में क्या कर जाएगी, स्पीकर के स्पीच को बंद करने के बाद भी परसिस्ट करती रहेगी फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द सोर्स इज स्टॉप्ड, और इसी परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड को इवन आफ्टर द सोर्स हैज सीज्ड टू एमिट द साउंड, और इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, इसी को हम नाम दे रहे हैं रेवर्बरेशन, ये प्रोसेस हो गया रेवर्बरेशन। तो टाइम जितने समय के लिए हो रहा है उसको हम क्या कह देंगे, रेवर्बरेशन टाइम या फिर रेवर्बरेशन पीरियड। हमने कहा द टाइम ड्यूरिंग विच साउंड प्रोसेस इन द हॉल इज कॉल्ड द रेवर्बरेशन टाइम, और इवन यू कैन टर्म दिस एज रेवर्बरेशन पीरियड। इट इज मेजर्ड फ्रॉम द टाइम दैट द ओरिजिनल साउंड इज प्रोड्यूस्ड, और इन द केस ऑफ कंटीन्यूअस नोट फ्रॉम द टाइम दैट द सोर्स स्टॉप्ड साउंडिंग the time at which the sound becomes inaudible. तो मुझे बताइए sound हमारे लिए inaudible कब होती है, when it becomes less than 60 decibels, जब वो 60 decibel के below चली जाएगी, या फिर अगर मैं intensity के terms में कहूं तो मैं कह रहा हूं 10 raised to power minus 6 times that of the maximum intensity of sound. तो intensity के terms में 1 millionth अगर हो जाती है, और pressure के terms में अगर वो 60 decibel से कम हो जाती है तो हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, कहने का मीनिंग हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आपस में विस्परिंग कर रहे होते हैं, खुसर फुसर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आप बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो दूर क्या बात कर रहा है आपकी, क्यों, क्योंकि उसका साउंड का इंटेंसिटी 6 डेसिबल से क्या है, बिलो है। सिमिलरली रूम में साउंड का इंटेंसिटी सिर्फ तभी तक आपको सुनाई देगा जब तक कि वो 60 डेसिबल के अबव होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और आपके पास इंटेंसिटी के टर्म्स में हमने आपको बता दिया that is in terms of 10 to the power minus 6. So, हमने कहा the reverberation up to a certain extent, of course, desirable. ये desirable तो है, and it adds pleasing characteristics to the acoustical qualities of the room. अगर हम reverberation period को बिल्कुल decreases to zero कर देंगे, आप उस room में बैठना पसंद नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जब आप music सुनते हैं तो आपने देखा होगा music भी बहुत soothing आपको तभी सुनाई देता है जब म्यूजिक आपने देखा होगा वो स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है, और स्लोली स्लोली म्यूजिक क्या होता है, डिक्रीज करता है, तब आपको उस म्यूजिक प्लीजिंग लगता है। अब मुझे बताइए एकदम से तेज और एकदम से बम वो आपको प्लीज नहीं करेगा। तो किसी रूम को एकॉस्टिकल गुड बनाने के लिए आपको रेवरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली फॉर गिविंग रिचनेस टू द म्यूजिक। तो आमतौर पर आप किसी म्यूजिक सॉन्ग को जब सुनते हैं तो आप देखिए जब म्यूजिक को क्लोज किया जाता है तो उसके म्यूजिक ट्यून्स जो होती हैं वो स्लोली स्लोली डिक्रीज की जाती है, साउंड की इंटेंसिटी को स्लोली स्लोली कम किया जाता है, एकदम से जीरो नहीं किया जाता। आप कभी इसको खुद ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। बट टू मच रेवर्बरेशन इज मोस्ट अनडिजायरेबल, क्यों है, क्योंकि अगर रेवर्बरेशन पीरियड का समय बढ़ जाएगा ग्रेटर देन 1.5 सेकंड हो जाएगा तब आपके पास रूम्स में इको प्रोड्यूस हो जाएगा, और इको को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि इको जब होगा तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन में साउंड वेव सेम सुनाई दे रहा होगा, अभी वो सुन ही रहे होंगे कि नेक्स्ट लेवल स्पीकर के जरिए या सोर्स के जरिए जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो आप कंफ्यूज से हो जाएंगे। इन दिस वे वी कंक्लूड दैट ऑब्टेनिंग द राइट वैल्यू ऑफ रेवरेशन इज द सीक्रेट ऑफ द गुड एकॉस्टिक्स। अब देखिए बेटा ये नीचे की तरफ जो ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ मैंने आपको जस्ट अभी भी जस्ट एक्सप्लेन किया है,
ये हम साउंड की डेंसिटी दे रहे हैं यहां पर इस तरफ वर्टिकल एक्सिस पे, आप इसको साउंड इंटेंसिटी भी ले सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साउंड इंटेंसिटी टू, आप इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में भी इसको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने टाइम एक्सिस लिया है, हम कह रहे हैं कि स्पीकर ने स्पीच को स्टॉप यहां पर किया है, इट स्टॉप्स द स्पीच ओवर देयर, और आपके पास इस समय के बाद ध्यान रखिएगा स्पीच जब स्टॉप हुई, मैं उस समय से लेके उस समय तक को कैलकुलेट कर रहा हूं जब आपके पास साउंड का इंटेंसिटी किस लेवल तक पहुंच गया है, यहां पर साउंड का इंटेंसिटी क्या था, मैक्सिमम था, जैसे जैसे ये एक्सपोनेंशियली फॉल कर रहा है, जैसे जैसे ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, आपने देखा साउंड का इंटेंसिटी जब डिक्रीज होके 10^-6 टाइम्स डेट ऑफ आई नॉट रह गया है, विन 1/1000th ऑफ द इंटेंसिटी, अगर मैं इंटेंसिटी को आई नॉट की टर्म्स में कहता हूं, यहां पे ई नॉट है, आप इसको आई नॉट की टर्म्स पे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब इंटेंसिटी 1/1000th ऑफ आई नॉट रह गया, इसके बाद हमें साउंड का इंटेंसिटी सुनाई नहीं देगा, तो ये वाला टाइम पीरियड जब स्पीकर ने स्पीच को स्टॉप किया तब से लेके वो समय जब तक हमें सुनिया, ये जो टाइम पीरियड हम नीचे की तरफ आपको दिखा रहे हैं बेटा, ये टाइम पीरियड आपके पास रेवर्बरेशन पीरियड या रेवर्बरेशन टाइम है। क्लियरली द टाइम इन विच द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द साउंड वेव फॉल्स टू 10^-6 टाइम्स ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू, स्टेडी मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू जिसके साथ वो फ्लो कर रहा था रूम में, आफ्टर द सोर्स इज कट ऑफ, आफ्टर द स्पीकर स्टॉप स्पीकिंग, इज नोन एज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ रेवर्बरेशन, इसको हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ रेवर्बरेशन कहते हैं। होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।